हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। ये क्लास एट्थ का ज्योग्राफी का चैप्टर सिक्स का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो हम देख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास एट्थ स्पेसिफिक वो है, सारी क्लासेस के अलग अलग हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास एट्थ स्पेसिफिक मिलेगा। ये जो PDF है वो भी मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ, और वहाँ पर आप उससे डाउट्स पूछ सकते हैं, और काफ़ी सारे मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ज़रूर ज्वाइन करिए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड आ रिसोर्स, इंसानों को क्यों एक रिसोर्स हम कंसिडर करते हैं। तो इसका आंसर है, पीपल आर कंसिडर्ड आ रिसोर्स बिकॉज व्हेन देयर डिमांड्स एंड कैपेबिलिटीज विथ देयर डिमांड्स एंड कैपेबिलिटीज दे कैन क्रिएट न्यू रिसोर्सेज। नेचर्स बाउंड्री बिकम्स इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट एंड मेक इट यूजफुल फॉर देम। हेंस ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट एंड पोटेंशियल रिसोर्स फॉर द सोसाइटी। तो देखिए, दुनिया में कितने सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, या फिर यूरेनियम है, या फिर गोल्ड है। इसकी वैल्यू ह्यूमन की वजह से तो ही है ना। गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, इंडस्ट्रीज ह्यूमन्स लगाते हैं, तो ह्यूमन तो एक रिसोर्स है ही। वट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में, देखो टॉप पे पहुंच गए हम, है ना, और अफ्रीका जैसे बहुत सारे देश हैं, फिर कुछ ऐसे देश हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज अनइवन, सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड वाइल सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ वाले हैं, स्पार्सली मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन है। देयर आर वेरियस रीजन बिहाइंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन्स हैं, और वो रीज़न क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी, टोपोग्राफी होता है एरिया जहाँ पर आप रहते हैं, प्लेन, पहाड़, जो भी है। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। फेवरेबल क्लाइमेट एंड सॉइल फर्टिलिटी आर सम ऑफ द रीजन्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के लिए, इंडो गंगेटिक प्लेन्स, डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो देखो, जहाँ पर नदियाँ होती हैं ना, जहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, ऐसे इलाके ज़्यादा पॉपुलेशन वाले होते हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर पॉपुलेटेड। प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑल्सो अट्रैक्ट पीपल, वाराणसी, जेरूसलम एक्सेट्रा। तो जिस इलाके में मंदिर होते हैं, पवित्र धार्मिक स्थल बहुत ज़्यादा भीड़ वाले होते हैं, ऐसे एरिया जहाँ पर नौकरियाँ ज़्यादा होती हैं, सड़कें अच्छी होती हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा होते हैं, वो एरिया भी बसे हुए ज़्यादा होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, वही कि प्लेसेस हैविंग मोर इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज प्लेसेस बिकॉज ऑफ द अबव रीजन। जैसे कि मुंबई, ओसाका, सड़कें बढ़िया हो सकती हैं, इंडस्ट्री लगी हुई हो, है ना, तो वहाँ पर कमाने का जरिया होगा ज़्यादा, तो लोग भी तो ज़्यादा बसेंगे ना वहाँ आके। वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली, वाई, दुनिया की पॉपुलेशन फूट गई बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, क्यों? वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज द डेथ रेट हैज़ गॉन डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाइज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। ऑल्सो अनलाइक द डेथ रेट, द बर्थ रेट हैज़ रिमेंड क्वाइट हाई। तो डेथ रेट तो कम हो गया है, बर्थ रेट बढ़ गया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं ना, तो और हम लोगों ने फसलें ज़्यादा उगानी शुरू कर दी हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा लोग अब पैदा हो रहे हैं और ज़िंदा रह रहे हैं। पहले जो बच्चे पैदा होते थे उनकी डेथ रेट बहुत हाई होती थी, अब वो बच जा रहे हैं, तो ऐसे पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो रही है। डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। तो देखो, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन चेंज। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पीपल, वाइल डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। इंपॉर्टेंट है कि भाई बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है। देयर आर नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो बर्थ रेट और डेथ रेट ये नेचुरल कॉजेज होते हैं हमारे पॉपुलेशन चेंज के। MCQ क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ दीज आर नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो व्हेन बर्थ रेट इज़ हायर देन द डेथ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीजेज। जब पैदा लोग ज़्यादा होंगे, मरेंगे कम, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। When the death rate is more than the birth rate, population फिर घट जाएगी। When the two rates are equal, population remains constant. Thus, birth rate and death rates are the effective measures that control populational balance population.
What is meant by population composition? Population composition refer to structure of population. Population composition helps to know the number of males or females, their age group, literacy, their occupation, their income level and health condition. तो population composition की भाई कौन male है, कौन female है, उनका age group क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, उनकी health कैसी है, उनका income level क्या है, यही सब मिला करके population composition बनता है किसी भी area का. Next question है, what are population pyramids? How do they help in understanding about the population of a country? Population pyramids क्या होते हैं और ये जो population pyramids होते हैं ये किस तरीके से हमें help करते हैं किसी country की population को समझने में? तो graphical illustration that is used for studying the population composition of a country is called population pyramids. This shows the present number of males and females in a country along with their age group. The age group distribution of population tell us the number of dependents and number of economically active individuals present in the population. कि भाई एज क्या है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, मिडिल एज कितने हैं, ये सारा का सारा हम लोगों को पॉपुलेशन पिरामिड से पता लगता है. अब MCQ है, what does the term population distribution refers to? तो आंसर है देखो, see the way in which people are spread across given area. एक given area में कितने लोग फैले हुए हैं वही होता है population distribution. Which are three main factors that cause population change? Population change किस किस वजह से होता है? Birth, death और migration की वजह से. Next देखिए, in 1999 the world population reached 6 billion. अब क्या हो गई 8 billion. What is the population pyramid? तो graphical representation of age, sex composition of a population is known as population pyramid. अब हमें fill-ups भरने हैं. When people are attracted to an area, it become densely populated. यहाँ पे आ जाएगा हमारा densely, ठीक है, densely populated हो जाता है. Factors that influence this include क्या? Favorable climate, good supply of natural resource and fertile land. तो ये हम लोगों ने question answers देखे. वीडियो पसंद आया तो like, share और subscribe ज़रूर करें और हमारा telegram group join करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. Thank you.